इंदौर जिले के महू तहसील की शासकीय उचित मूल्य दुकान कंट्रोल उमरिया व कई शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से 7 अगस्त 2021 को प्रातः 9 बजे से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ जन व युवा साथियों की गरिमामय उपस्थिति रही तथा 11 बजे से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम से जुड़े और प्रधानमंत्री जी के भाषण को टीवी स्क्रीन पर सुना और कार्यक्रम से ऑनलाइन होने के बाद भी आमंत्रित हितग्राहियों को राशन वितरण किया गया। कोरोना काल में लोगों की सेवा कर पाए, गरीब हितग्राही को फ्री मुफ्त राशन वितरण कर पाए, उसी योजना के अंतर्गत जिस प्रकार से दूसरा दौर हमने देखा है कि लाखों लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन हमने इस प्रकार से इसको कंट्रोल किया है कोरोना को। निश्चित रूप से हमारे मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी कल्पना है और उन्होंने मेहनत करके आदरणीय जनमानस में जाकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जनता को जागृत करते हुए इस प्रकार इस कोरोना महामारी को रोकने का प्रयास किया है और बड़ी असहाय प्रयास है और इसी के तहत जो अनाश्रित हैं, हितग्राही हैं, जो गरीब वर्ग हैं, उनको निश्चित रूप से मुख्यमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा आज मुफ्त राशन वितरण का कार्यक्रम है। ये पूरी महू तहसील के अंदर बांटा जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस साथ ये कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा जितने भी गरीब वर्ग के करोड़ों लोग जो हैं, करोड़ों परिवार जो हैं, उनको मुफ्त राशन, दाल, चावल, शक्कर और गेहूँ दिया जा रहा है। आपका नाम बताइए। दिनेश सिंह चौहान, प्रदेश युवा मोर्चा। कैनन न्यूज़ के लिए महू से प्रकाश सिसोदिया की रिपोर्ट।